नमस्कार, स्वागत है आपका आसन पर केस अंक में। मैं हूं दीपिका। आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। हमीरपुर बस अड्डे के सामने खोका धारकों को हटाने के मामले में सामने आया एक नया मोड़। हमीरपुर नगर परिषद को खोका धारकों के द्वारा खोके नहीं हटाने की मांग किए जाने पर नगर परिषद ने भी पीडब्ल्यूडी और टूरिज्म विभाग से एनओसी की मांग। हिमाचल प्रदेश सेवानिवृत्त पुलिस कल्याणकारी संघ इकाई हमीरपुर द्वारा पुलिस लाइन दसड़का में त्रैमासिक बैठक का किया गया आयोजन। बैठक की अध्यक्षता की चेयरमैन जगदीश शर्मा ने। हमीरपुर बस अड्डे पर सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए सीसीटीवी कैमरे बनकर रह गए हैं शोपीस। जानकारी के अनुसार बस अड्डा परिसर के अंदर और बाहर लगाए गए हैं 6 कैमरे। लगाए गए कैमरों में से कोई भी कैमरा नहीं करता है सही रिकॉर्डिंग। हमीरपुर शहर में लगाई जा रही एलईडी लाइटों का कई जगह दिन में जलते रहना और रात को बंद रहने की शिकायतों पर नगर परिषद बैठक में गरमाया मुद्दा। एलईडी लगाने वाली कंपनी के प्रतिनिधि को तलब करने पर पार्षदों की भी हुई तीखी नोकझोंक।